पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव सचिन चौधरी ने यूपी धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि योगी सरकार फेल हो चुकी है और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाई है। पहले इन्होंने ईसाई मिशनरी को धर्मांतरण के नाम पर परेशान किया था और अब मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर वो 1000 लोग कहाँ हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। ये लोगों पर NSA लगा देते हैं और कोर्ट उन्हें छोड़ देती है, ये भी छूट जाएंगे। पहले से सरकार और पुलिस कहाँ सोई हुई थी, अभी चुनाव के समय में इन्हें धर्मांतरण की अचानक याद क्यों आई? रही बात 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की, यूपी में आ रहे हैं चुनाव और योगी जी हार रहे हैं बहुत बुरी तरह से, इससे हिल रही है दिल्ली की गद्दी। तो अब ये तो दो लोगों पे हुआ है, आप धीरे धीरे चुनाव तक देखिएगा कितने लोगों पे NSA लगेंगे जो बेबुनियाद होंगे, कितने लोगों को पहले भी ATS ने पकड़ा है वो सारे के सारे छूट चुके हैं। ATS और CBI ये कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो सरकार के कहने पर बहुत सारा काम करती हैं, और जो लोगों को ये पकड़ते हैं जिन पर NSA लगते हैं बाद में वो छूट जाते हैं। और अगर 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है तो वो 1000 लोग कहाँ हैं, और उस टाइम पुलिस क्या कर रही थी जब ये दो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे? तो चुनावी माहौल है, और कहीं अगर धर्म का नाम आ जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ BJP उसके साथ खड़ी हुई है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।